कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने की स्थिति में दिवाली के बाद छठी से लेकर आठवीं तक स्कूल खोलने की तैयारी तेजी से चल रही है। जी हां, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि दिवाली के बाद छठी से आठवीं तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की एक बैठक अगले सप्ताह यानी 27 अक्टूबर को बुलाई जाएगी। इस अहम बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बैठक में छठी से आठवीं तक स्कूलों को खोलने के साथ छठ और दिवाली मनाने के लिए गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें, बीते कई महीनों में दिल्ली के अंदर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। ऐसे में स्कूल संगठनों और अभिभावक संघों की ओर से लगातार छठी से आठवीं तक के स्कूलों को खोलने की मांग तेजी से की जा रही है, लेकिन DDMA इस पर सहमति नहीं दे रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिवाली के बाद दिल्ली में छठी से आठवीं तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।